नमस्कार, न्यूज अब तक में आपका स्वागत है। आज हम एक कबर दिखाएंगे जिससे आपका दिल दहल जाएंगे। दिल दहलाने वाली एक कबर सामने आए, वो भी जीवीपन से, जहां पे एक मरीज के साथ वहां के जो केयर टेकर है किस तरह से वो पेशेंट के साथ में ट्रीट कर रहा है वो देखिएगा। जहां केयर टेकर को अटेंडर की जगह पे रखते, वो भी पैसा दे के रखते, और जीवीपन जैसे जगह से अगर ऐसा वीडियो सामने निकल के आएंगे तो ये कहीं ना कहीं जीवीपन प्रशासन के ऊपर में बड़ा सवाल उठता है। मामला मरीज के साथ हुआ है और मरीज का लगभग जो है 75 एज बता रहा है। जिन्होंने हमें वीडियो भेजे उनका कहना है कि वो मरीज का जो है 75 ईयर ओल्ड लेडी है और उनके साथ किस तरह का बर्ताव एक केयर टेकर द्वारा किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, वो लेटाने की जगह उठा के पटक रहा है उन्हें, ये दिल जला देंगे। अगर आप देखेंगे तो आप जहां पे बैठे हैं आप उठ के खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा दृश्य आपने कभी जीवीपन में शायद नहीं देखे होंगे जो दृश्य आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हाल ही में एनएम्स द्वारा प्रेस रिलीज निकाला गया जिसमें बकायदा एनएम्स द्वारा यह कहा गया है कि जीवीपन में हर वार्ड में जो है QR कोड लगेंगे और लग चुके हैं, और उस पे जितने भी मरीज है वो अपना शिकायत, वो चाहे वो वहां के कर्मचारी हो या किसी भी मामले की शिकायत, आप उस QR कोड को स्कैन करके आप उन जो भी परेशानी है उसको बता सकेंगे। वैसे में अगर ऐसा वीडियो वहां से सामने निकल के आएंगे और खबर हमें ये मिला कि ये जो लेडी है उसको आज डिचार्ज भी कर चुके हैं और इतना बड़ा मामला सामने निकल के आ रहा है, और ये एक बार नहीं, जीवीपन से बार बार ऐसा मामला सामने आते, कई सारे वीडियो सामने आ जाते हैं जहां पे मरीजों के साथ में जो है बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, जिससे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जीवीपन हॉस्पिटल लोग जाए या ना जाए। क्योंकि सवाल हमारे पास भी कई बार ऐसे उठा चुके हैं लोग कि जीवीपन में अगर जाना है तो अपने जान जोखिम में डालना, ये भी कई लोग हमारे चैनल के माध्यम से कह चुके हैं। उसके बाद भी जीवीपन प्रशासन द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और आज भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग या पेशेंट जितने भी है, मरीज जितने भी है, वो सारे कहीं ना कहीं आज भी परेशान है। आज अभी ये जो QR कोड डाल के रखे हुए स्कैन करने के बाद कर रहे हैं, और उसकी उसमें जितने भी शिकायतें आएंगी उसके बाद में जीवीपन प्रशासन है उसमें बदलाव लाएंगे ये कहना है। देखना ये होगा ये QR कोड डालने के बाद में क्या वाकई में जीवीपन हॉस्पिटल में कुछ बदलाव आएंगे या नहीं। सबसे पहले ये वीडियो को देखिए आप। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।